आपका नाम क्या है? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार है सर। सौरभ कुमार। आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग ली हुई है? यस सर। जी, क्या क्या आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिकल में सर जी टूल्स वगैरह के बारे में पढ़े हैं। जी, टूल्स के बारे में पढ़ा है आपने? यस सर जी। और? और भी वायरिंग वायरिंग के बारे में, पावर ड्रिल ये सब के बारे में पढ़ा है सर। अच्छा, आप बताइए सर, टूल्स के बारे में, वायरिंग करने के बारे में और किस प्रकार सर्किट ये सब के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में सर पढ़े हैं। अच्छा, तो जरा आप बताइए हमें कि टूल्स में कौन कौन से टूल्स पढ़े हैं आप? सर टूल्स में मेजरिंग टूल्स, मार्किंग टूल्स, कटिंग टूल्स सर, फिर सर पावर टूल्स। ये मार्किंग टूल्स क्या होता है सर? मार्क करने के लिए सर, निशान बनाने के लिए सर, निशान लगाने के काम। यस सर। अच्छा, और ये जो हमारा ड्रिल मशीन है वो कौन से टूल्स में आएगा? यस सर, पावर 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 टूल्स में सर। पावर टूल्स में आएगा, क्यों? क्योंकि सर ये इलेक्ट्रिक से चलते हैं सर। इलेक्ट्रिक से चलता है। अच्छा, आप बताइए हैंड टूल्स और पावर टूल्स में क्या अंतर है? हैंड टूल्स और पावर टूल्स में, हैंड टूल्स में हम लोग हाथ से यूज करते हैं और पावर टूल्स में जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं। इलेक्ट्रिक से चलता है, यानी कि हैंड टूल्स में मसल पावर से चलता है और पावर टूल्स में इलेक्ट्रिक पावर प्लस मसल। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप जो है एक टूल्स उठाइए जो आपके मार्किंग टूल्स हो। यस सर। ये मार्किंग टूल्स है? यस सर जी। क्या नाम है इसका? इसका लाइन चौक मार्कर नाम है सर। चौक लाइन मार्कर। ठीक है, बैठिए। आप जरा बताइए कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन प्लायर रखा हुआ है इससे क्या क्या कर सकते हैं आप, क्या काम है इसका? सर ये कॉम्बिनेशन प्लायर सर, ये दो साइजों में है सर, एक इसका 20 सेंटीमीटर है और इसका 15 सेंटीमीटर सर। अच्छा। इससे हम तार को काट सकते हैं, छील सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं सर। तार को काट सकते हैं, छील सकते हैं और तार को जोड़ सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। चलिए ठीक है, तो तार को काटने और छीलने के लिए हम कोई और भी औजार इस्तेमाल करते हैं? यस सर। क्या इस्तेमाल करते हैं सर? उसके लिए ऑटोमेटिक वायरस टिपर है सर, यहाँ ऑटोमेटिक वायरस टिपर से छील सकते हैं सर। ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर, इसका क्या काम है सर? इससे वायर को इंसुलेशन छीलने के लिए सर और इसे काटने के लिए भी। काटने के लिए, तो इसे तार को जोड़ लगा सकते हैं? नहीं सर, ये अपने आप करता है, बिना कम जोड़ लगाया जाता है। नहीं, दो तारों को जोड़ सकते हैं इसकी मदद से? नहीं सर, इससे जोड़ा नहीं जाता। इससे जोड़ा नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे जो प्लायर रखे हैं उनके नाम आप बताइएगा थोड़ा। जो प्लायर है वो सर, ये कॉम्बिनेशन प्लायर, ये मंकी प्लायर हो गया, ये ग्रिप प्लायर हो गया और ये कौन सा प्लायर है? ये मंकी प्लायर है। ये मंकी प्लायर है? यस सर। और ये कौन सा प्लायर है? ये ग्रिप प्लायर है। ये ग्रिप प्लायर है? यस सर। और ये? ये साइड कटर है। साइड कटर प्लायर, कटर प्लायर, ठीक। ये? ये स्ट्रेट कटर सर। स्ट्रेट कटर प्लायर, चलिए ठीक, बैठिए। तो ये जो प्लायर अभी के नाम बताए हैं, ये मंकी प्लायर, ग्रिप प्लायर, ये दोनों का काम क्या है? मंकी प्लायर और ग्रिप प्लायर का सर, हाँ, इसका काम पकड़ने के लिए सर, किसी चीज को कस के पकड़ने के लिए सर। अच्छा, कोई जॉब आप जो काम कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, चलिए अच्छी बात। ये बताइएगा ये क्या है? यस सर। क्या है ये? स्क्रू ड्राइवर सेट है सर। स्क्रू ड्राइवर सेट, सेट है। यहाँ आपके तरह स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ, कौन कौन सा स्क्रू ड्राइवर है जरा बताइएगा? सर यहाँ पर एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है सर, दूसरा स्टार स्क्रू ड्राइवर है सर। ये दोनों को इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे सर? जिस तरह का स्क्रू रहेगा सर उस पर फ्लैट रहेगा ना सर, माइनस चिन्ह, उस पर हम फ्लैट स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करेंगे सर। और जिस तरह दूसरा में स्क्रू ड्राइवर रहेगा ना सर, उसमें स्टार रहेगा, उसके लिए स्टार स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे सर। चलिए अच्छी। तो जब आप स्विच बोर्ड बनाइएगा yes, तो उसमें हमें कटिंग करने की जरूरत पड़ेगी yes, तो
स्विच बोर्ड बनाने के लिए कौन कौन सा कटिंग टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे? स्विच बोर्ड बनाने के लिए कौन सा कटिंग टूल इस्तेमाल करेंगे? हाँ, ये स्ट्रेट कटर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, स्ट्रेट कटर से क्या काटिएगा वहाँ आप? तार काटेंगे सर। बोर्ड बनाना है आपको, स्विच बोर्ड, उसमें स्विच फिट करना है, स्विच होल्डर लगा के फिट करना है। ऑटोमेटिक वायर कटर का इस्तेमाल करेंगे सर। और साइड कटर का इस्तेमाल करेंगे और कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ठीक है, बैठिए आप बताइए, ये सही बोल रहे हैं? नहीं सर। तो क्या सही आंसर क्या होगा सर? वुड चिजल का उपयोग करेंगे सर। वुड चिजल का, ठीक है। और सर पोकर का छेद करने के लिए सर? पोकर का इस्तेमाल करेंगे बोर्ड में छेद करने पर सर। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा ठीक, और किन्हीं चीजें का उपयोग कर सकते हैं? जो उड चिसल है, पोकर है, उसके अलावा यहाँ पे और कोई औजार रखा हुआ है आपका काटने के लिए सर? ये हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं सर। हेक्सा ब्लेड का भी, हेक्सा ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोर्ड को काटने के लिए। ठीक, ये कौन सा मीटर है? ए मीटर है सर। ए मीटर है? यस सर। क्या काम है इसका? इसका बिजली, बिजली को नापने का काम करता है। बिजली में क्या नापेगा ये? करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध, क्या नापेगा ये? करंट नापेगा सर। करंट नापेगा। तो इसका सर्किट में कनेक्शन कैसा रहेगा सर? इसका सर्किट में कनेक्शन सीरीज में रहेगा सर। सीरीज में रहेगा? अच्छा, लोड के साथ सीरीज में लगाया जाता है। चलिए अच्छी बात। तो आप जरा बताइए करंट क्या होता है सर? करंट इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को करंट कहते हैं सर। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, प्रवाह को करंट कहते हैं। इसका एसआई मात्रक पता है आपको? करंट का सर? हाँ हाँ सर, एम्पियर होता है सर। एम्पियर होता है। चलिए, वोल्ट मीटर को सर्किट में कौन से कनेक्शन में कनेक्शन देते हैं, जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है सर्किट में? वोल्ट मीटर सर नहीं पता। नहीं पता, चलिए अच्छी बात। जो एनर्जी मीटर है वो क्या काम करता है सर? ये हमारा जो लोड कितना उठ रहा है सर, वो उसका मीटर से पूरा बिल बनाने का काम करता है, निकालने के लिए लगाया जाता है सर। अच्छा, बिजली खपत बताता है। यस। ठीक है, चलिए अच्छी बात। यहाँ पे आपके पास कुछ औजार दिख रहे हैं, ये क्या है ये बताइएगा जरा सर? ये फाइल है सर। सर तीनों फाइल है? यस। क्या होता है फाइल? फाइल होता है सर, ये सर छोटे छोटे कणों में, कणों के रूप में काटते हैं सर। छोटे छोटे कणों के रूप में किनको काटेंगे? जिससे रेतने के लिए सर, जहाँ काटा हुआ रहेगा सर, नोकदार ये सब रहेगा जिससे हम काट सकता है, उसको हम रेत करके पूरा प्लेन कर सकते हैं चिकना बनाने के लिए सर। अच्छा, तो ये अलग अलग साइज में क्यों दिया हुआ है? सबका तो शेप अलग अलग है। यस सर, हर तरह का जिस कंडीशन में हम, ये फ्लैट फाइल है सर, तो फ्लैट में यूज करेंगे सर, और ये अगर कोई छेद रहेगा ना सर, उसमें हम इसका यूज करेंगे रेतने के लिए, और ये हाफ राउंड है, हाफ राउंड फाइल है सर, इसका हम कोना बनाने में सर उपयोग करेंगे सर। अच्छा, तो ये जो आपका फ्लैट फाइल है, इसका साइज आप बताइएगा? हाँ, इसका साइज क्या है? दस इंच। चलिए अच्छी बात है। अब ये बताइए कि ये कौन सा मशीन है, आप बताइए? ये सर ड्रिल मशीन है सर। ड्रिल मशीन है, इससे क्या काम किया जाता है? इससे लकड़ी या किसी दीवार में छेद करने का काम करते हैं सर। अच्छा, ये कौन से सप्लाई पे काम करेगा ये सर? हाँ, इलेक्ट्रिक सप्लाई पे काम करेगा सर। अच्छा ठीक है, बैठिए। इलेक्ट्रिक जो सप्लाई हमारे घरों में आ रही है सर, तो कितने प्रकार के सप्लाई आती है सर? बाहर से जो आती है सर, एसी होती है सर, अल्टरनेटिंग करंट होती है। अच्छा, एसी होती है, ठीक। और भी कोई प्रकार के करंट है? डायरेक्ट करंट होती है सर, जिसको डीसी बोलते हैं सर। अच्छा, दो करंट यानी कि है एसी और डीसी। तो ये मशीन हमारा किस पे चलेगा, एसी पे चलेगा या डीसी पे चलेगा? सर ये एसी और डीसी दोनों पे चलेगी सर, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल मोटर लगा हुआ है। अच्छा, इसमें यूनिवर्सल मोटर लगा हुआ है जो एसी डीसी दोनों पे चलता है, दोनों पे वर्क करता है। चलिए गुड।
ये क्या है? सोल्डरिंग आयरन सर। सोल्डरिंग आयरन, इसकी मदद से क्या किया जाता है? इसकी मदद से हम तार को जोड़ सकते हैं सर, दो तारों को आपस में जोड़ सकते हैं, दो तारों। चलिए अच्छी बात। तो आप बताइए जो ओम मीटर है, यस सर, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं हम लोग? किसी तार का हमें प्रतिरोध नापना रहेगा, तो आप नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। चलिए ठीक। इधर से ये कौन सा मीटर रखा हुआ है आप बताइए? सर ये इंसुलेशन टेस्टर है सर। इंसुलेशन टेस्टर, टेस्टर है। क्या किया जाता है इससे? इसमें तार का इंसुलेशन चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है सर। इसका तारों का इंसुलेशन चेक करने के, उससे क्या हमें फायदा क्या होता है, क्या पता लगता है सर? इसमें हम पता लगाते हैं कि उसका मेगा बताता है सर, उसका रेजिस्टेंस सर। अच्छा, तो ये इसमें जो है, इस मशीन में क्या फिट है, ऐसा क्या लगा हुआ है इसके अंदर, कुछ है? हाँ सर, ये ओम मीटर लगा हुआ है सर। ओम मीटर लगा हुआ है। इसको कहीं से आपको सप्लाई देना पड़ता है इनपुट? नहीं सर, ये अपना खुद जनरेट करता है सर। कौन सा है? एसी डीसी क्या, कौन सा सप्लाई देता है? कितने वोल्ट का सप्लाई देगा ये? ज्यादा कुछ नहीं देता सर, कम ही रहता है। इस पे आपको देखना होगा, है ना, मीटर पे आपके लिखा हुआ रहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपका 500 वोल्ट देगा, ठीक है? ये 500 वोल्ट आपका डीसी सप्लाई देता है, ठीक है, जिसके कारण आप तार का इंसुलेशन चेक कर सकते हैं कि बीच में अगर कहीं टूटा हो तो वो ज़्यादा वोल्टेज दिया जाता है, ताकि करंट अगर लीक होगा तो बाहर दूसरे तार के संपर्क में आ जाएगा और आपको पता लगेगा, चेक करोगे तो आपको प्रतिरोध कम बताएगा वहाँ। चलिए, तो इसमें एक हैंडल दिया हुआ है, तो हैंडल को कितनी बार घुमाना पड़ता है सर? इस हैंडल को 160 बार घुमाया जाता है सर। 160 बार घुमाया जाता है, ठीक है। तो इस ये जो मशीन है, इसका आप रेटिंग देख बता सकते हैं कितने वोल्ट पे क्या काम करेगा ये? यह 230 वोल्ट पर काम करेगा सर। 230 वोल्ट पर। और इसके आरपीएम बता सकते हैं कितने आरपीएम राउंड करेगा ये? 2600 आरपीएम है सर। 2600 आरपीएम। चलिए ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और टूल्स आपके रखे हुए हैं, तो आप बताइएगा जरा कि भाई ये टूल्स जो है किसके अंदर आएंगे, कौन से औजार के अंदर आएंगे? ये सर, कौन से टूल्स के अंदर आएगा सर? मेजरिंग टूल है। ये मेजरिंग टूल, क्या नाम है इसका? इसका सर, इस टूल का नाम ट्राई स्क्वायर है सर। ट्राई स्क्वायर है, यस सर। क्या किया जाता है इससे? इससे कोण को मापा जाता है सर। कोण को मापा जाता है, समकोण 90 डिग्री बनाने के काम आता है। कितना? 90 डिग्री बनाने का काम आता है। ठीक है, बैठिए। ये सेंटर पंच है सर। सेंटर पंच है, तो क्या करते हैं इससे सेंटर पंच से? सर कोई भी होल को छेद करने के लिए, उसका साइज बढ़ाने के लिए सर, और कुछ जाम उम रहता है सर, उसको साफ करने के लिए किया जाता है। नहीं, सेंटर पंच का ये काम नहीं है, आप बता सकते हैं? यस सर, इसकी मदद से हम किसी भी दीवार में चिन्ह बना सकते हैं, उस पर पावर ड्रिल ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड, बैठिए। ड्रिल इस्तेमाल करने से पहले उस बिट को जहाँ पे आप रखेंगे तो उसके लिए ये गाइडिंग मार्क बनाता है, निशान बनाने के लिए, कि ड्रिल जब भी आप लगाए तो बीट इधर उधर छटके ना, उसके लिए यह उसके लिए जो है निशान बनाता है, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा है। तो आप बस लास्ट में आप लोग बता दें कि भाई जो मीटर रखे हुए हैं, एक का नाम आप बताइए, क्या नाम है इस मीटर का? क्लैंप डिजिटल मल्टीमीटर सर। क्लैंप मीटर, डिजिटल क्लैंप मीटर, ठीक है। और आप इनका इसका नाम बताइए? डिजिटल मल्टीमीटर सर। डिजिटल मल्टीमीटर, मल्टीमीटर। इस ये ऑपरेट होता है, इसमें ऐसा क्या लगा हुआ है इसमें सर?
इसमें हम लोग सप्लाई के तौर पे कौन सा सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं? डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई सप्लाई। इसमें कितने वोल्ट की बैटरी लगी होती है? 9 वोल्ट की बैटरी। 9 वोल्ट की एक बैटरी लगी होती है। चलिए अच्छी बात, ठीक है, आप लोग जाइए।